गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. इन अवर लास्ट वीडियो वी कंप्लीटेड अवर फर्स्ट यूनिट रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट इन एंजियोस्पर्म प्लांट्स. तो हमने लेसन नंबर 1 to 4 पढ़ा, जो कि आपकी यूनिट नंबर फर्स्ट में था. और जो यूनिट नंबर फर्स्ट था उसका वेटेज आपको कितने मार्क्स का था? 4 मार्क्स का. आज हम यूनिट नंबर सेकेंड स्टार्ट करेंगे, 12th बायो की. और यूनिट सेकेंड किससे रिलेटेड है? प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड है. इसका पार्ट फर्स्ट है. आपकी बुक में प्लांट फिजियोलॉजी 2 पार्ट्स में दे रखी है, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड. और पार्ट फर्स्ट प्लांट फिजियो में, पार्ट फर्स्ट में हम स्टार्ट करेंगे आज लेसन नंबर 5th, विच इज प्लांट वाटर रिलेशन. तो आज हम लेसन स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 5th, प्लांट वाटर रिलेशन. हम देखेंगे किस तरीके से जो प्लांट है वो कैसे वाटर को एब्जॉर्ब करता है, वाटर के साथ कैसे अदर मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं, और ये वाटर प्लांट में कौन कौन से प्रेशर या कौन कौन से रिलेशनशिप के लिए क्या है, रेस्पॉन्सिबल है. तो आज हमारा लेसन है लेसन नंबर 5th, प्लांट वाटर रिलेशन. तो स्टार्ट करते हैं प्लांट वाटर रिलेशन में, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है डिफ्यूजन. तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है डिफ्यूजन. देखिए, हमारे पास एक रूम है. इस रूम के एक कॉर्नर में क्या करते हैं, हम परफ्यूम स्प्रे करते हैं. तो क्या देखा हमने, इफ वी स्प्रे परफ्यूम इन अ कॉर्नर ऑफ ए रूम देन इट स्मेल स्प्रेड थ्रू आउट द रूम. कुछ टाइम बाद आप देखेंगे जो इसकी स्मेल है वो आपके पूरे रूम में आएगी. अगर आप किसी रूम के एक कॉर्नर में रूम फ्रेशनर या कोई भी आप कोई गैस सपोज कीजिए जैसे अमोनिया, उसको अपने एक रूम के कॉर्नर में क्या कर दिया, बोतल को ओपन कर दिया, तो कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि इट्स स्मेल स्प्रेड थ्रू आउट द रूम. ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है डिफ्यूजन के कारण. द रीजन बिहाइंड इट इज डिफ्यूजन. तो क्या होता है डिफ्यूजन? देखिए, तो डिफ्यूजन क्या है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस हैव अ टेंडेंसी दैट दे मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ द लोअर कंसेंट्रेशन. तो दिस टेंडेंसी इज कॉल्ड एज या नोन एज डिफ्यूजन. क्या है डिफ्यूजन देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं डिफ्यूजन की. द मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस मूव फ्रॉम इट्स हाई कंसेंट्रेशन या हाई फ्रॉम इट्स हायर कंसेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन. क्या देखा हमने डिफ्यूजन में, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस मूव फ्रॉम इट्स हायर कंसेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ इट्स लोअर कंसेंट्रेशन. दिस टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नॉन एज डिफ्यूजन. देखिए क्या होगा, हमने एक रूम के एक कॉर्नर में स्प्रे किया परफ्यूम, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की कंसेंट्रेशन क्या हो गई, ज्यादा. जबकि रूम के अदर्स कॉर्नर पे आपके पास परफ्यूम था, नहीं था, तो वहां पे इसकी कंसेंट्रेशन क्या हो गई, लेस. तो क्या हुआ, अपनी हाई कंसेंट्रेशन से मॉलिक्यूल्स कहाँ मूव करते हैं, अपने लोअर कंसेंट्रेशन की ओर मूव करते हैं. और इसी टेंडेंसी को हमने क्या कह दिया है, डिफ्यूजन. तो डिफ्यूजन क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन है काइनेटिक एनर्जी या फ्री एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स. द रीजन बिहाइंड द डिफ्यूजन इज काइनेटिक एनर्जी और फ्री एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स. क्लियर है आपको ये? डिफ्यूजन हैपन्स बिकॉज मॉलिक्यूल्स और सब्सटेंस आर इन मोशन. क्या हुआ, देखिए, जो आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास क्या होगी, जो सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी. जो ये मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल्स के पास क्या है, अपने खुद की काइनेटिक एनर्जी या फ्री एनर्जी. इस फ्री एनर्जी कारण क्या होंगे, ये मूव करेंगे और मूव करके
जो इनके पास जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ क्या करेंगे, कोलाजन करेंगे, कोलाजन दैट मीन्स टक्कर, टक्कर करेंगे और टक्कर करके क्या करेंगे, मूवमेंट शो करेंगे, और मूवमेंट शो करने के कारण क्या होता है, इनमें डिफ्यूजन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। इस मूवमेंट के कारण क्या होता है, इनमें डिफ्यूजन। तो क्या देखा हमने, द मॉलिक्यूल्स को सस्टेंस आर इन मोशन ड्यू टू देयर काइनेटिक एनर्जी एंड दे ट्राई टू ऑक्यूपाई द स्पेस। वो क्या करेंगे, आपके स्पेस को ऑक्यूपाई करने का काम करेंगे, क्लियर है इसके कारण। और इसी का रीजन के कारण जो मॉलिक्यूल्स अपनी हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की ओर क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, एंड दिस टेंडेंसी इज नोन एज डिफ्यूजन। क्लियर हो गया। जो डिफ्यूजन की टेंडेंसी है वो गैस के पास भी होगी, वो लिक्विड के पास भी होगी, और वो सॉलिड के पास भी होगी, यानी कि गैस, लिक्विड और सॉलिड तीनों के मॉलिक्यूल्स क्या शो करते हैं, आपके डिफ्यूजन शो करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो मूवमेंट होता है सबसे ज्यादा कहाँ होता है, गैस में। तो गैस सबसे ज्यादा डिफ्यूजन शो करेंगे, उसके बाद लिक्विड, और सबसे कम कौन शो करेगा, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, आपके डिफ्यूजन शो करेंगे। तो गैस के मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा डिफ्यूजन शो करते हैं, उसके बाद लिक्विड के, और सबसे कम डिफ्यूजन कौन शो करता है, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स, क्योंकि जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स है वो क्या होता है, आपके फर्मली बंधे होते हैं, आपके उनके पास जो बॉन्डिंग होती है वो फर्म होती है, और केवल वो अपने ही जो उनका साइट है उसी पे वो क्या करता है, वाइब्रेशन मूवमेंट करते हैं। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। अब देखिए आगे हम देखते हैं कि कैसे डिफ्यूजन है और उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं। अब हम देखते हैं रेट एंड डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन, रेट एंड डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन। हम डायरेक्शन देख चुके थे कि डायरेक्शन क्या थी इसकी, हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अब किस रेट से जाएगा वो देखते हैं। देखिए आपके पास एक बीकर है, आप एक रूम लेके चलते हैं, हमारे पास एक बीकर है, इस बीकर के एक तरफ तो मैंने क्या करा, CO2 गैस का स्प्रे कर दिया, कौन सी गैस स्प्रे कर दी, CO2, और इस बीकर के दूसरे कॉर्नर पे मैंने कौन सी गैस स्प्रे कर दी, ऑक्सीजन गैस का स्प्रे कर दिया। अब देखिए अगर हम इस कॉर्नर की बात करें तो एक कॉर्नर पे क्या हुआ, आपकी ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा थे, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल ज्यादा थे, जबकि इसके अपोजिट आप कॉर्नर की बात करेंगे तो वहां पे CO2 के मॉलिक्यूल्स नहीं है। तो यहाँ पे इसकी हायर कंसेंट्रेशन हो गई, और यहाँ पे क्या हो गई, आपके ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है लेकिन CO2 एब्सेंट है। तो CO2 क्या करेगी, अपनी हायर कंसेंट्रेशन टू कहाँ जाएगी, लोअर कंसेंट्रेशन जाएगी। तो ये डायरेक्शन क्या हो गई इसकी CO2 की, कि आपके पास सपोज कीजिए ये ए कॉर्नर है और ये बी कॉर्नर है, तो CO2 कहाँ मूव करेगी, CO2 मूव करेगी ए कॉर्नर टू बी कॉर्नर। क्लियर है। अब इसी के साथ साथ हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बी कॉर्नर पे है लेकिन ए कॉर्नर पे नहीं है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, आपके बी कॉर्नर से जो ऑक्सीजन का मूवमेंट है वो कहाँ होगा, बी टू ए होगा। क्लियर है। कुछ टाइम के बाद हम कंडीशन देखेंगे कि जो बीकर है उसके पूरे ईच एंड एवरी कॉर्नर पे क्या होगा, आपके ऑक्सीजन एंड CO2 कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगी। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो CO2 का मूवमेंट है वो ऑक्सीजन के मूवमेंट को अफेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा, और जो ऑक्सीजन का मूवमेंट है वो CO2 के मूवमेंट को अफेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसे हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं इसे, इंडिपेंडेंट डिफ्यूजन। क्या बोला इसे हमने, इंडिपेंडेंट डिफ्यूजन। तो हेंस द डायरेक्शन एंड द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द डिफरेंट कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स आर इंडिपेंडेंट, इट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट डिफ्यूजन। हमने एग्जाम्पल के लिए देखा कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन और CO2 कंसंट्रेशन एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करती है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रेट ऑफ डिफ्यूजन को आपके क्या करते हैं, इफेक्ट पहुंचाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन। देखिए कौन कौन से फैक्टर्स है जो आपके डिफ्यूजन की प्रोसेस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो इनमें आपके पास
मेनली फोर फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि डिफ्यूजन की प्रोसेस को क्या करते हैं, आपको अफेक्ट करते हैं, जिसमें पहला हम बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सेकेंड जो इसको अफेक्ट करेगा वो क्या होगा, टेम्परेचर। थर्ड पॉइंट जो आपके डिफ्यूजन की प्रोसेस को अफेक्ट करेगा वो है डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट। और फोर्थ पॉइंट जो आपके डिफ्यूजन के प्रोसेस को अफेक्ट करेगा वो क्या हो जाएगा, आपका डेंसिटी ऑफ डिफ्यूजन पार्टिकल। देखिए हमने फोर फैक्टर्स देखे जो क्या करते हैं, आपके डिफ्यूजन की प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला हमने देखा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, सेकेंड इज टेम्परेचर, थर्ड इज डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट एंड द फोर्थ इज डेंसिटी ऑफ डिफ्यूजिंग पार्टिकल। तो यहाँ पे हम देखिए हमारे पास एक वर्ड है ग्रेडियंट। हम बहुत सारे ग्रेडियंट देखेंगे बायोलॉजी में, पीएच ग्रेडियंट, एच प्लस ग्रेडियंट, डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का सीधा सीधा मतलब है, अगर आप सिंपल वर्ड्स में लेना चाहें तो ग्रेडियंट आपको शो करता है किसको, डिफरेंस को। जो ग्रेडियंट वर्ड है वो किसी शो करेगा, आपके डिफरेंस को। अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है यानी कि डिफरेंस बिटवीन कंसंट्रेशन, डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट है तो क्या हो गया, डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन प्रेशर। एच प्लस ग्रेडियंट कह रहे हैं तो डिफरेंस बिटवीन एच प्लस आयन कंसंट्रेशन, तो ग्रेडियंट का मतलब क्या हो गया, डिफरेंस। इतना क्लियर हुआ। अब इसमें देखिए पहला टॉपिक जो फर्स्ट टॉपिक है क्या है, जो फैक्टर आपको डिफ्यूजन को अफेक्ट कर रहा है वो कौन सा है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। देखिए हम बात कर चुके थे कि जो डिफ्यूजन है वो कहाँ होगा, आपकी हाई कंसंट्रेशन टू कहाँ जाएगा, ये लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। क्लियर है, जितना ज्यादा हाई कंसंट्रेशन होगा मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट उतना ही फास्ट होगा, यानी कि जब जिन दो पार्टिकल्स के बीच में डिफ्यूजन हो रहा है उनकी कंसंट्रेशन के बीच में कितना डिफरेंस है, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, आपके डिफ्यूजन की प्रोसेस होगी। देखिए आपके पास एक बीकर है, ये अगर यहाँ पे इसको मैंने सेपरेट कर दिया किसी मेम्ब्रेन से, ठीक है, यहाँ पे आपके पास मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है और यहाँ पे मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन कम है, तो अपनी हाई कंसंट्रेशन से कहाँ जाएगा, लो कंसंट्रेशन की ओर। तो मॉलिक्यूल्स हमेशा डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल्स हमेशा अपनी हाई कंसंट्रेशन से कहाँ जाएंगे, लो कंसंट्रेशन की ओर जाएंगे। कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा हाई होगी डिफ्यूजन की रेट भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा हाई होगी। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ डिफ्यूजन। इसको आप इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या हो जाएगी, आपकी इंक्रीज हो जाएगी। अगली बात करते हैं हम टेम्परेचर की। देखिए सेकंड फैक्टर देखते हैं टेम्परेचर। हमें पता है जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, ये जो डिफ्यूजन की प्रोसेस है वो किसके कारण है, काइनेटिक एनर्जी के कारण। मॉलिक्यूल्स के पास अपने क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी या फ्री एनर्जी होती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी के कारण क्या होता है, इनमें कोलाजन होता है और उससे क्या करता है, आपके मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, ठीक है। जैसे ही आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो क्या होगा, आपके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। टेम्परेचर जैसे ही आपने इंक्रीज कर दिया तो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, आपके बहुत जल्दी जल्दी मूव करेंगे और क्या हो जाएगा, इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो बहुत जल्दी इनमें कोलाजन होगा, ये मॉलिक्यूल्स हैं इनकी एनर्जी बढ़ गई तो बहुत जल्दी जल्दी ये रैंडमली कोलाजन शो करेंगे और क्या होगा, आपके रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इससे क्या हुआ, रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या हो गई, आपकी इंक्रीज हो गई। तो टेम्परेचर इज द टेम्परेचर से क्या होगा, आपके प्रोपोर्शनल है क्या रेट ऑफ डिफ्यूजन। आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या होगी, आपकी इंक्रीज होगी। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा हुआ तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा हुआ, टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन भी उतना ही ज्यादा होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट की।
देखिए जितना ज्यादा डिफ्यूजन प्रेशर होगा, डिफ्यूजन प्रेशर जितना ज्यादा होगा, डिफ्यूजन की रेट भी क्या होगी आपकी उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये भी कैसा है आपका प्रोपोर्शनल रिलेशन है कि डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट अगर इंक्रीज होगा तो डिफ्यूजन की रेट भी क्या हो जाएगी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। लास्ट हम बात करते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे, जो क्या है डेंसिटी ऑफ डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स। तो इसका लास्ट पॉइंट है डेंसिटी ऑफ, तो नेक्स्ट जो इफेक्ट कर रहा है वो क्या है डेंसिटी ऑफ डिफ्यूजिंग पार्टिकल। देखिए जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि जब ये बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा आपका कम हो जाएगा। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। क्या कह रहा है ये, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी। तो क्या कहना चाह रहा है ये कि जो डेंसिटी है, डेंसिटी ज्यादा होगी आपकी तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। तो क्या कह रहा है, द गैस ऑफ मोर डेंसिटी, द गैस ऑफ मोर डेंसिटी डिफ्यूज स्लोअर, कि ऐसी गैस जिनकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो क्या करती है आपकी स्लो रेट ऑफ डिफ्यूजन शो करती है। क्लियर हुआ? तो कौन कौन से फैक्टर्स देखे हमने, टेम्परेचर इनवर्स आपके प्रोपोर्शनल था कि टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज होगा, कंसंट्रेशन को इंक्रीज करूंगे तो डिफ्यूजन इंक्रीज होगा, प्रेशर ग्रेडियंट को अगर आप इसको इंक्रीज करते हैं तो भी इंक्रीज होगा, लेकिन डेंसिटी के साथ कैसा होगा इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्या है इसका रिलेशन है। अब देखते हैं प्लांट के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंस है किसकी, डिफ्यूजन की। इंपॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन इम्पॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स के लिए डिफ्यूजन की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या प्लांट्स को हेल्प मिलती है डिफ्यूजन से। तो देखिए जो फर्स्ट इंपॉर्टेंस है वो क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जो गैसों का एक्सचेंज है वो कैसे हो रहा है आपके डिफ्यूजन की प्रोसेस से। हमें पता है कि जो प्लांट की लीव्स होती है, मेनली लीव्स में क्या प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा। इसके अलावा हमें पता है कि लीव्स के अलावा वो स्टेम पे भी होते हैं और आपके अदर लीव्स में भी होते हैं, लेकिन जो मेन स्टोमेटा प्रेजेंट होता है वो कहाँ होता है, मैक्सिमम लीव्स में होते हैं। रूट को छोड़ दीजिए तो प्लांट के सारे पार्ट्स में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। अब जो स्टोमेटा है ये क्या काम करता है, ये आपके गैसेस एक्सचेंज का काम करता है। ये गैस जो एक्सचेंज है वो आपके प्लांट में रेस्पिरेशन के टाइम पे भी हो सकती है और फोटोसिंथेसिस के टाइम पे भी हो सकती है। इसी के साथ स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन में भी हेल्प करता है। ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या हो गया कि जो प्लांट से जो वाटर है वो वेपर की फॉर्म में क्या होता है आपका एरियल पार्ट से क्या होता है निकलता है। तो इसे क्या बोल दिया हमने, ट्रांसपिरेशन में, यानी कि वाटर वेपर की रिलीज में भी क्या करता है, ये हेल्प करता है। तो जो उसका पहला पॉइंट है इंपॉर्टेंस वो तो क्या, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। सेकेंड क्या है कि ट्रांसपिरेशन में भी हेल्प करता है, यानी कि रिलीज ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द लीव्स या फ्रॉम द स्टोमेटा, उसमें भी कौन हेल्प करेगा आपके डिफ्यूजन की प्रोसेस से हेल्प होता है। थर्ड देखिए, प्लांट में जो वाटर का एब्जॉर्बेंस है वो मेनली कैसे होता है आपका, प्लांट में जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है वो मेनली किससे होता है आपके, पैसिवली होता है। और पैसिवली किसके थ्रू होता है, ट्रांसपिरेशन के थ्रू होता है। यानी कि जो आपका वाटर एब्जॉर्बेंस है इसमें भी क्या करेगा, ये आपके हेल्प करेगा। तो वाटर के साथ साथ मिनरल्स भी आएंगे, तो वाटर के और मिनरल के पैसिव एब्जॉर्बेंस में, एक्टिव नहीं, एक्टिव में तो आपको एनर्जी की नीड होगी और डिफ्यूजन में एनर्जी की नीड नहीं होती है। तो जो पैसिव एब्जॉर्प्शन है वाटर का, पैसिव एब्जॉर्प्शन और मिनरल का पैसिव एब्जॉर्प्शन, उसमें कौन हेल्प करेगा आपका डिफ्यूजन की प्रोसेस क्या करती है, हेल्प करती है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंस हो गई इसकी, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, रिलीज ऑफ वाटर वेपर, एंड द थर्ड इज वाटर एंड मिनरल्स के पैसिव एब्जॉर्प्शन में भी क्या करता है, ये हेल्प करता है। तो आज हमने पढ़ा डिफ्यूजन की प्रोसेस, आप डिफ्यूजन, इसकी डेफिनेशन,
इसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, और लास्ट में हमने देखा इम्पोर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन इन प्लांट्स। तो आज के लिए इतना ही, आप इसे देख लेना, नोट्स बना लेना। थैंक यू।